Hey friends, मैं हूँ शालिनी and welcome to my channel Tips to Top by Shalini. आज के वीडियो में मैं आपको आपकी स्किन टाइप के लिए कुछ डू एंड डोंट्स बताने वाली हूँ. तो इससे पहले आप इस वीडियो को देखें, आप ये मेक श्योर करें कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो. अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है वो है ऑयली स्किन. मैं ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ, वो अपने फेस को मैक्सिमम 2 से 3 बार वॉश करें. अगर आपकी ऑयली स्किन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेस को जितने बार चाहे उतने बार वॉश करें, वो भी हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है. और याद रखें, आप किसी हार्मफुल सोप का यूज़ बिल्कुल ना करें, किसी ग्लिसरीन का यूज़ करके ही अपने फेस को वॉश करें. एलोवेरा आपके स्किन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. आप एलोवेरा को अपने स्किन पे डेली रब कर सकते हैं. अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को भी यूज कर सकते हैं. आप हनी और बादाम का पेस्ट बना के अपने फेस पे एज अ फेस पैक यूज करें, ये भी आपकी स्किन को नॉर्मल करने में काफी हेल्पफुल रहेगा. सेकेंड स्किन जो है वो है ड्राई स्किन. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोशिश करें कि आप जब भी अपने फेस को वॉश कर रहे हैं तो उसे नॉर्मल वाटर से ही वॉश करें. कभी भी गर्म पानी से अपने फेस को वॉश ना करें, क्योंकि आपके फेस को गर्म पानी से वॉश करने से वो और ज़्यादा ड्राई हो सकती है. इसके अलावा ड्राई स्किन वाले हमेशा फेस को वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें. अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई फील करती है, और मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को नॉर्मल फील करने में हेल्प करता है. ड्राई स्किन के लिए कोकोनट ऑयल और पेट्रोलियम जेली बहुत बेनिफिशियल होता है. आप इन दोनों को अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन. अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ट्राई करें कि आप अपने फेस को एक क्लेंजर से ही वॉश करें, ना ताकि किसी हार्ड सोप से, क्योंकि हार्ड सोप आपकी स्किन को और भी डैमेज कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसके अलावा टोनर भी यूज कर सकते हैं. टोनर उनकी स्किन को नॉर्मल करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. आप ये ध्यान रखें कि आप अपने फेस को ज़्यादा टच ना करें. बहुत सारे लोग अपने फेस को ज़्यादा टच करते हैं, जिससे हमारे हाथों की गंदगी हमारे फेस पे लगती है, इससे हमारी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है. कॉम्बिनेशन स्किन वाले अपने फेस को डेली 1 से 2 बार वॉश कर सकते हैं. इसके अलावा आप दिन में 1 बार मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें. फोर्थ स्किन टाइप है नॉर्मल स्किन. अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपकी स्किन बहुत ही हैप्पीएस्ट स्किन है, क्योंकि आपको ज़्यादा उसके लिए केयर करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको भी थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत पड़ जाती है. तो आपकी स्किन के लिए आप कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, हनी ये यूज़ कर सकते हैं, और अपने फेस को मैक्सिमम 1 से 2 ही बार वॉश कीजिए. आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये टिप्स यूजफुल हो. आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. बट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बगल का बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज को कभी मिस ना कर पाए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.